या के ऑनलाइन क्लासेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम पॉलिटी में उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था महान आबादी के बारे में, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भरपूर इसको सहयोग कर रहे होंगे, देखने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देख रहे होंगे। थोड़ा 5 मिनट उसी के बारे में थोड़ा रिकॉल करवा देते हैं, जो कि महान आबादी के बारे में बताए थे कि महान आबादी का जो पद है वह पद सरकार को कानूनी सहायता देने में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताया गया था, बताए थे कि जिस प्रकार आम जनता को कानूनी सलाह देती है एडवोकेट, उसी प्रकार सरकार को कानूनी सहायता देती है महान आबादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और साथ ही साथ अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए आसीन बैठे हुए व्यक्तियों को अगर कानूनी सहायता चाहिए तो महान आबादी से ले सकते हैं। अगले हमने चरण में पढ़ा था, गठन में ही पढ़ा था कि महान आबादी ही एकमात्र ऐसे विधि अधिकारी होते हैं या ऐसे अधिकारी होते हैं जो संसद के मेंबर नहीं होते हुए भी संसद में बैठते हैं, भाग लेते हैं, चर्चा करते हैं, परंतु इसमें वोटिंग नहीं करते हैं। अनुच्छेद 88 के तहत संसद में बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, परंतु वोटिंग नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में महान आबादी अभी आपके के वेणुगोपाल हैं। उनको सहायता करने के लिए सरकार के द्वारा सॉलिसिटर जनरल को बनाया जाता है, जो अभी तुषार मेहता हैं। सॉलिसिटर जनरल को भी सहायता करने के लिए एडिशनल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया जाता है, जो अभी इस पद पर दो व्यक्ति हैं आसीन हैं, एक संजय जैन हैं और KM नटराज हैं। गठन में था कि कानूनी सहायता दिलवाने देने के लिए ही इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी क्या बनने की योग्यता है? तो योग्यता क्या बताया गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता होगी, वही महान आबादी की योग्यता होगी। तो याद होगा आपको, या वीडियो देखे होंगे या पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कितना योग्यता होनी चाहिए। तो किसी भी हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और किसी भी हाई कोर्ट में वकील के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 5 वर्ष और 10 वर्ष। अगले कड़ी में पढ़े थे इसका, शपथ के बारे में पढ़े थे कि कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। वेतन भत्ते किस फंड से मिलते हैं? तो वेतन भंड मतलब कि संचित निधि से मिलता है, और इनका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर ही तय होता है कि महान आबादी को कितना वेतन मिलना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उनको वेतन मिल रहा है। इसके अलावा इनको आवास, सुरक्षा, कर्मचारी वगैरह सारे मिलते हैं। इनका कार्यकाल भी फिक्स नहीं है, वो भी फिक्स होता है कि इनके मन पर, वो भी फिक्स होता है राष्ट्रपति के मन पर। राष्ट्रपति ही अपने मन इच्छा पर उनको तय करते हैं। पढ़े थे कि कार्यकाल कितना वर्ष है? तो ऐसे कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति ही फिक्स करते हैं, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, और राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब उनको हटा सकते हैं। आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ता है। अगर स्वेच्छापूर्वक देंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर हटाना है, बाय फोर्सली हटाना है, तो महाभियोग की प्रक्रिया चलानी पड़ेगी, परंतु महान आबादी में महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है, हम किसी भी वक्त हटा सकते हैं। महान आबादी त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ये सब पढ़े थे महान आबादी में। आप लोग वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए, क्योंकि आपके वीडियो पर ही हम लोग का मेहनत निर्भर करता है। हम लोग भी आप लोग का जैसे वीडियो को ज़्यादा देखने पर ही हम लोग और उत्साहित मन से और हम लोग
परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद आप और अच्छी से अच्छे आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं या करेंगे। ऐसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको सहयोग कीजिए। वीडियो को आप ही के लिए बनाया गया है, आप ही के फ़ायदेमंद के बनाया गया है। एक बार ज़रूर टाइम निकाल करके ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, सारे वीडियो को देखें, आप देखें उसको एक बार, कम से कम पूरा वीडियो एक बार थोरोली इसको देखिए क्या बताया गया है। हो सकता है जो नहीं जानते हों उसमें मिल जाए, तो उसमें मिल जाए तो आपके लिए बेहतरीन होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो आप इसको देखिए, एक बार ज़रूर देखिए। तो आज महानेवादी के बारे में कुछ बताए, जो मेन पॉइंट था बता दिए, सब पूरा बता दिए। अब हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिसका विवरण अनुच्छेद 63 में किया गया है। गठन के बारे में पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या कारण से उपराष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है, उपराष्ट्रपति अगर नहीं हो तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति अगर नहीं हो तो क्या होगा, क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसमें दिक्कत आएगी। देखिए, उपराष्ट्रपति ठीक उसी प्रकार का पद है जैसे आप कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल होते हैं। वाइस प्रिंसिपल का जैसा कार्य है, ठीक उसी प्रकार देश में उपराष्ट्रपति का कार्य है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी कॉलेज में कोई प्रिंसिपल ही सारा कार्यभार संभालता है, पर जब कभी प्रिंसिपल नहीं है तो उनके एब्सेंट में कौन संभालता है कॉलेज, तो उनके एब्सेंट में संभालता है वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल ही जब तक प्रिंसिपल नहीं लौटते हैं तब तक वह एक्टिंग प्रिंसिपल के तौर पर काम करता है। जब प्रिंसिपल पुनः आ जाते हैं तो वह पुनः अपने पद पर चला जाता है, वो टीचर की भूमिका में चला जाता है, प्रिंसिपल फिर अपने चार्ज ले लेते हैं। तो जब प्रिंसिपल नहीं रहेंगे तो उनको सहायता करने के लिए ही वाइस प्रिंसिपल बनाया जाता है। परंतु जो वाइस प्रिंसिपल हैं तो वाइस प्रिंसिपल क्या करेंगे, वो बैठे हुए तो नहीं रहेंगे कि कब प्रिंसिपल साहब जाएं कि हम एक्टिंग प्रिंसिपल बने, ये तो नहीं रहेंगे। उनको भी तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो प्रिंसिपल जब रहते हैं कॉलेज में तो वाइस प्रिंसिपल वेट नहीं करते हैं कि कब वो जाएंगे, तब वो क्या करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, एज ए टीचर कार्य करते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, इसी से रिलेटेड इसको है कि जब प्रिंसिपल हैं तो वाइस प्रिंसिपल एज ए टीचर कार्य कर रहे हैं, और जब प्रिंसिपल नहीं है तब वाइस प्रिंसिपल टीचर के कार्य से मुक्त होकर वो चले जाएंगे एक्टिंग प्रिंसिपल में। ठीक इसी प्रकार देश के भी सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, ये तो सभी को जानते हैं। तो राष्ट्रपति अगर किसी, राष्ट्रपति का पद अगर किसी कारणवश खाली है, मृत्यु हो गया, चुनाव में लेट है, या कभी कहीं और चले गए, या किसी भी कारणवश खाली है, तो उनके जगह पर प्रिंसिपल का कार्य कर प्रेसिडेंट का कार्य करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में देश का संचालन मैक्सिमम 6 महीने के लिए, मैक्सिमम कितना महीना, 6 महीना
तक कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में होते हैं। अगर 6 महीने के बाद भी नहीं आए तब, ऐसे तो संविधान में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 6 महीने में आपका, 6 महीने तक, पर 6 महीने के बाद भी अगर किसी कारणवश नहीं आए तब उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं 6 महीने के बाद जितना दिन तक कार्य करेंगे तो दिन के अनुसार उनको वेतन दिया जाएगा, जब तक कि वो अपने पद पर नहीं आ जाएंगे तब तक। तो ये तो समझे कि एब्सेंट वाला, कि जब राष्ट्रपति नहीं है तब कितने महीने के लिए, मैक्सिमम 6 महीने के लिए भी आता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति की कार्य अवधि कितने महीने तक होती है, तो मैक्सिमम कितने महीने, 6 महीने। और नए 6 महीने के बाद भी नहीं आए तब तो उनको पर डे के हिसाब से वेतन मिलता है, जब तक वो आ नहीं जाएंगे तब तक। और उस अवधि में जो भी राष्ट्रपति को वेतन, जो भी राष्ट्रपति को वेतन भत्ते सुविधा सारी सारा मिलेगा, किनको, उपराष्ट्रपति को मिलेगा। ये तो हुआ एब्सेंट की स्थिति में। अब प्रेजेंट की स्थिति में जब राष्ट्रपति हैं तब वो क्या काम करेंगे, उपराष्ट्रपति वेट तो करेंगे नहीं ना कि राष्ट्रपति कब जाएं, कब खाली करें कि हम जाएं। तब वो क्या काम करते हैं, तब उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन करते हैं, राज्यसभा का सभापति होते हैं। जब राष्ट्रपति हैं तब वो क्या करेंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्य करेंगे, सभा पर संचालन का काम करेंगे, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे तब तक। इसलिए एक क्वेश्चन भी बहुत बन के आता है, एक होता अभी आपको बताया गया था कि संसद में महान्यवादी ऐसे मेंबर हैं जो कि गैर मेंबर होते हैं, वो संसद में बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, परंतु वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में कौन से ऐसे बैठे होते हैं जो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं कौन, उपराष्ट्रपति। अगर सभापति के रूप में है तो सभापति बाहर जाएंगे तो उपराष्ट्रपति, अंदर रहेंगे सभापति रहेंगे। तो सभापति ही गैर मेंबर होते हैं राज्यसभा के, जो राज्यसभा का संचालन करते हैं। तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि उपराष्ट्रपति का पद क्यों जरूरी है। उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए बनाया गया है। जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में रहेंगे, और जब राष्ट्रपति रहेंगे तब वो राज्यसभा का संचालन करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे के अनुसार, आपको समझाया गया। अब हमारे अभी तक ऐसे कितने राष्ट्रपति बने जिन्होंने 2 बार कार्यकाल पूरा किया, तो 2 बार कार्यकाल पूरा करने वाले एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए और एक मोहम्मद हामिद अंसारी, 2 बार कार्यकाल पूरा करने वाले। अभी वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति हैं 2017 से, तो हैं एम वेंकैया नायडू, 17 से हुए, 22 तक कार्यकाल उनका है। तो 2 बार कार्यकाल पूरा करने वाले कौन हैं, वेंकैया नायडू, 2 बार पूरा करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं कौन, वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। तो गठन में क्या लिखेंगे,
राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करने के लिए उपराष्ट्रपति पद का गठन किया गया है। देश में सबसे पहला नंबर व्यक्ति है कौन? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कितने नंबर व्यक्ति हो जाएंगे? दूसरे। तो उपराष्ट्रपति का पद सेकेंड पोजीशन पर होता है। ठीक। दो बार कार्यकाल पूरा करने वाले, पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद, अंसारी, मुसबामन से 62 तक और 2007 से 17 तक। वर्तमान उपराष्ट्रपति कब से? 2017 से 2022 तक। एम वेंकैया नायडू। अब देखते हैं क्या राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्य, एब्सेंट, इधर लिखेंगे राष्ट्रपति के उपस्थिति में कार्य। दोनों देखते हैं, एब्सेंट में क्या कार्य है और प्रेजेंट में क्या कार्य है। एब्सेंट में क्या कार्य है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में? मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए किस भूमिका में? कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में कार्य करते हैं। अबव 6 मंथ्स, 6 मंथ के मतलब आफ्टर लिख सकते हैं, आफ्टर 6 मंथ के पश्चात राष्ट्रपति के नहीं आने के पद पर नहीं आने की स्थिति में दैनिक वेतन दिया जाता है। तीसरा, इस समय सभी सुविधाएं राष्ट्रपति के समान प्राप्त होते हैं, जो राष्ट्रपति के बराबर ही मिलेगा उनको। यह हुआ अनुपस्थिति में। उपस्थिति में क्या करेंगे?
उपराष्ट्रपति में क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति का कार्य करते हैं, संचालन करते हैं, कार्य करते हैं जो राज्यसभा में गैर सदस्य होते हैं, मतलब उसके मेंबर नहीं होते हैं। गैर सदस्य होते हैं ये तो हुआ। एक क्वेश्चन बहुत आता है, अभी तो आप समझे कि राष्ट्रपति नहीं है तब कौन संभाला, तब संभाला उपराष्ट्रपति। आज जब उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब, जब उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब, तब कौन संभालेगा देश को। तो एक क्वेश्चन काफ़ी आता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में देश का संचालन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो अब तक अभी कितना बार हो चुका है ऐसा, एक बार हुआ है जब बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन के बाद 1969 में, तो बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे तो उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, तो अपने पद से त्यागपत्र दे दिए, तो उपराष्ट्रपति का ही पद खाली हो गया और राष्ट्रपति का चुनाव होना ही था। तो उस समय 2 महीने के लिए तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला खान के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका अपनाई गई थी। ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में देश का संचालन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, कितना बार कर चुके हैं, एक बार 1969 में किए थे, कौन तत्कालीन एससी के सीजीआई मोहम्मद हिदायतुल्ला खान के द्वारा किया गया था। तो अभी क्या देखें, उपराष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया, तो उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के कार्यों में क्या करने के लिए, सहायता करने के लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल होते हैं, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का पद कितने पोजीशन पर होता है, सेकेंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर राष्ट्रपति होते हैं और थर्ड पोजीशन पर प्रधानमंत्री होते हैं। दो बार कार्यकाल पूरा करने वाले कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी, और अभी राष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन क्या काम करेंगे, कितने महीने के लिए, अधिक मैक्सिमम 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति संभालेंगे, और 6 महीने के बाद भी अगर नहीं आएंगे तब उनको दैनिक वेतन भत्ता दिया जाएगा, और जब कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे तो उनको सारी सुविधाएं राष्ट्रपति के समक्ष मिलेगा, समान मिलेगा। और जब राष्ट्रपति उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, तब वो क्या काम करेंगे, राज्यसभा के सभापति का कार्य करते हैं जो कि राज्यसभा के गैर मेंबर होते हैं। और जब दोनों नहीं रहेंगे तब कौन संभालेगा,
तब तक मानेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब तक कितना बार संभाल चुके हैं, एक बार कौन संभाले हैं, मोहम्मद हिदायतुल्ला खान। तो ये गठन में हुआ। अब एक योग्यता के बारे में आपको हम पूरा इसमें क्वेश्चन करवाएंगे। उपराष्ट्रपति में अभी हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद महान्यायवादी का करवाएंगे, उसका नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, फिर इसका भी करवाएंगे जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। योग्यता में क्या है कि पहला था कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, राज्यसभा के मेंबर चुने जाने लायक, राज्यसभा के मेंबर चुने जाने लायक योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बनना चाहें तो बन सकते हैं। चौथा, सरकारी सेवा में नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। तो इसमें मेनली याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वह है 35 वर्ष, और राज्यसभा के मेंबर चुने जाने लायक कितना योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता सरकारी सेवा में नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। तो मेन इसमें योग्यता में देखना है क्या, कितनी आयु है, न्यूनतम कितनी आयु है। शपथ देखते हैं, कौन शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं, वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राष्ट्रपति दिलवाते हैं। आज ये तीन पॉइंट आपके समक्ष रखे, कल पुनः तीन पॉइंट को डिस्कस करने के पश्चात जो रेस्ट बचे हुए हैं, तीन चार पॉइंट बचे हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग देखिए, वीडियो को देखिए, आप ही के लिए बनाया जाता है, आप लोग इसको सहयोग कीजिए, समर्थन पर देखिए कि हम लोग भी दुगना उत्साह से और सरगर्भित चीज़ आपके समक्ष ला सकें। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।